सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, और जो आप लोगों ने एक शुरुआत की है आज इस कनॉट प्लेस की धरती पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शुरुआत पूरे भारत में फैलेगी। हम लोग टाइम टू टाइम जगह जगह मिलते रहेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे, और जो भी हमारी समस्याएं हैं उन पर हम अपनी बात करेंगे। अभी संविधान दिवस की बात है कि संविधान दिवस को हमें किस रूप में मनाना चाहिए। सबसे पहली जो दिक्कत की बात यह है कि पिछले साल इस देश की सरकार ने इस संविधान दिवस को मनाया। अक्सर होता यह है कि इस देश की सरकार को तो शायद पता नहीं है, लेकिन बाकी देशों में जो संविधान दिवस होता है वहाँ पर उस दिन छुट्टी रखी जाती है, और उस देश के संविधान के प्रति उस देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वो उसको माने और उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करे। लेकिन शायद इस देश की सरकार ने एक वर्ष ये मना करके फैसला कर लिया कि बस इतना बहुत है, और उन्होंने ये जाहिर किया है कि संविधान दिवस तो केवल और केवल दलितों का दिवस बनकर रह गया, जो कि पूर्णतः गलत है। बाबा साहब ने संविधान के तहत इस देश की 50% जो नारी जाति है उसको मुक्ति दिलाई, उसको बराबरी का हक दिलाया। मजदूर वर्ग जो पहले 14-14 घंटे कार्य करता था उसको पूरी तरह से तनख्वाह नहीं मिलती थी, 8 घंटे का उसको वक्त पूरा उनको दिया कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी और पूरा भुगतान उनको मिलेगा। परंतु आज ना तो इस देश की नारी जाति ना इस देश का हमारा मजदूर वर्ग संविधान के प्रति कोई दिलचस्पी दिखाता है, केवल और केवल जो हमारा दलित वर्ग है। हम बहुसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन शायद मैं ये मानता हूँ कि OBC के लोग भी इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं मनाते हैं, ना वो मानते हैं, जबकि जितना ख्याल इस देश के लिए बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया। आज अगर आप देखेंगे तो इस देश के अलावा बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें भी बहुत उथल पुथल होती है, लेकिन केवल और केवल भारत देश ऐसा है जिसके संविधान के साथ में उथल पुथल नहीं हो पाती और इस देश की सरकारें सुचारू रूप से चल रही है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन है, 25 तारीख 26 जितने भी प्रोग्राम हमारे हैं हम 100 लोग वहाँ पर जाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज करें और इस देश की सरकार पर एक ऐसा प्रेशर बनाने में कामयाब हों कि अगले वर्ष इस देश की सरकार को छुट्टी घोषित कर करके संविधान दिवस को मनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आप सभी से एक बार एक अपील और करता हूं कि 26 तारीख को बहुजन के नाम पर हम लोग एक बहुत बड़ा सम्मेलन तालकोटरा स्टेडियम में कर रहे हैं, आप सभी वहां पर आमंत्रित हैं, और सभी जो भी मुझको सुन रहे हैं मुझको देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ वहाँ करके उस प्रोग्राम को भी जोरदार तरीके से सफल बनाएं। धन्यवाद। जय भीम। We'll be right back.